गुड मॉर्निंग बच्चों, साइंस क्लास 9 चैप्टर 7 सेशन फर्स्ट 7 चैप्टर देख रहे हैं अपन। जीवों में विविधता। विविधता शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में ये चीज आ जाती है कि अलग अलग, वो लक्षणों के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, क्रियात्मक रूप से अलग अलग हो सकते हैं, संरचनात्मक रूप से अलग अलग हो सकते हैं। हम जनरली देखें, अगर अपन हम और हमारे फ्रेंड्स की दोनों की तुलना करें तो हमारा नाक समान है, हमारा हाथ समान है, हमारी आंखें समान है, कुछ वेरिएशंस हो सकता है लेकिन जनरली बेसिक जो भी संरचना है वो हमारी क्या है, एक समान है। और अगर अपन हमारी तुलना बंदर से करें तो हम देखते हैं कि मित्र से हमारे कुछ ज्यादा समान है अपेक्षाकृत बंदर से। और हमारी तुलना अगर अपन गाय से करें तो हमें लगेगा कि गाय की अपेक्षा बंदर के हम ज्यादा क्लोज है। तो सजीवों के शरीर में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है और उन विविधताओं को किस प्रकार से अपन समान कार्य करने वाले समूह को या समान संरचना रखने वाले समूह को, समान लक्षणों वाले समूह को अगर अपन एक साथ रखें और उनसे भिन्न लक्षणों वाले समूह को अगर अपन एक साथ रखें तो हम जीवों में कुछ विविधताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जनरली पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए हमें बहुत ज्यादा ब्रॉड रूप से पढ़े, इससे अपेक्षाकृत हम किसी एक पैटर्न बना लें या किसी एक ग्रुप वाइज किसी को अपन सारे सजीवों को डिवाइड कर लें तो हम एक ग्रुप में उन सब सजीवों को रख सकते हैं जिनके लक्षण क्या है, समान है। तो हमें पढ़ने में, समझने में, पढ़ाने में और समझाने में काफी इजी रहता है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अपन जीवों का वर्गीकरण करेंगे और किस प्रकार से उनके लक्षणों के आधार पर हमको अपन उनको अलग अलग देखेंगे। वर्गीकरण करें इससे पहले वर्गीकरण का आधार क्या रखा? तो पुराने समय में अरस्तु नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने वर्गीकरण का आधार उनके रहने के स्थान या आवास को माना और उसके आधार पर उन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया, जल, स्थल और वायु। जो जल में रहने वाले जीव थे उनको जलीय जीव कहा, जो स्थलधारी थे उनको स्थलधारी कहा और जो वायु में विचरण करते थे उसको अपन वायुचर या नभचर भी कहा। अब अपन देखें इसको भी अपन डिटेल में देखें तो जल में आके छोटी स्टार फिश से लगाकर बड़ी व्हेल मछली तक पाई जाती है और उनके शारीरिक संगठन में बहुत अंतर होता है। तो ये विभाजन यहीं पर जाकर केवल आवास को इंडिकेट करता है, उसके अंदर जो विविधता पाई जाती है उसको इंडिकेट नहीं किया। फिर धीरे 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 माइक्रोस्कोप की खोज हुई, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के बारे में अध्ययन हुआ और फिर अपन ने वर्गीकरण के कुछ 3-4 आधार माने, जिसमें पहला अपन ने माना था केंद्रक। हमको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि केंद्रक जो है वो कोशिका का जो है वो कंट्रोलिंग पावर माना जाता है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र माना जाता है और केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर या केंद्रक के जो केंद्रकीय झिल्ली होती है उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अपन ने कोशिका को मेनली 2 भागों में डिवाइड किया, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। अपन ने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी उसका केंद्रकीय भाग जो है वो कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, किसी प्रकार की कोई बाहरी झिल्ली नहीं पाई जाती है, जिसको अपन ने कैरियन भी कहा था। और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसके केंद्र की झिल्ली स्पष्ट होती है और कोशिका अंग जो होते हैं वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका की अपेक्षा यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका अंग जो होते हैं वो अधिक विकसित होते हैं। दूसरा आधार माने अपन कोशिका, तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर अपन कोशिकाओं को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जिन सजीवों का शरीर एक कोशिका से बना होता है उसको अपन एक कोशिकीय जीव कहते हैं और जिन कोशिकाओं का शरीर बहुकोशिकीय से बनी होती है, बहुकोशिका यानी कि 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है उसको अपन बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और इन बहुकोशिकीय जीवों से ही अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जो है वो विशिष्टीकृत कार्य करने के लिए अलग अलग संरचना में परिवर्तित हो जाती है और नई प्रजाति के विकास में सहायता मिलती है। पोषण के आधार पर अगर अपन बात करें तो ऐसे पादप जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है या जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं उसको अपन स्वपोषी कहते हैं और जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जंतुओं पर आश्रित रहते हैं उसको अपन विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी के अंतर्गत अपन और पढ़ते हैं मृतजीवी, परजीवी, ये अपन पढ़ते हैं परपोषी, कीटभक्षी, ये विषमपोषी के कुछ और अपन सब डिविजन देखते हैं। तंत्र के आधार पर बात करें तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका कोशिकीय संगठन, शारीरिक संगठन जो होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है, जो केवल एक ही कोशिका होती है वो शरीर के समस्त कार्यों को संपादित करती है, इसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। फिर अपन देखते हैं कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका कोशिकीय संगठन
या शारीरिक संगठन जो होता है वो उत्तक स्तर तक का होता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शारीरिक संगठन अंग स्तर तक का होता है, और कुछ ऐसे एडवांस जीव जो होते हैं उनका शारीरिक संगठन जो है वो तंत्र तक का होता है। गति के आधार पर देखें तो कुछ जंतु जो होते हैं वो गतिशील होते हैं और कुछ जो होते हैं वो गतिशील नहीं होते, जैसे कि जंतु और पादप। जंतु जो होते हैं उसमें गतिशीलता पाई जाती है, परंतु अगर अपन पेड़ों की बात करें तो वो स्थिर अवस्था में रहते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते हैं। इन सब बातों को आधार रखते हुए अपन अलग अलग प्रकार के जीवों का वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण क्यों करना पड़ा, जिससे हमको जैव विकास के बारे में पता चले। जैव विकास का मतलब होता है जीवों का विकास। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे जीव हैं जो लाखों वर्षों से जिस संरचना से जुड़े हुए थे, उनकी जो शारीरिक बनावट थी, उनका जो कार्य करने का तरीका था वो आज भी ऐसे ही है। ऐसे जीवों को अपन आदिम यानी कि प्रिमिटिव यानी कि पुरातन जीव कहते हैं, और कुछ ऐसे जीव है जिनकी शारीरिक संरचना में वातावरण के अनुसार या जीन्स के अकॉर्डिंग या कार्यों के अनुसार उनकी शारीरिक संरचना में कुछ परिवर्तन हो गया है और वो पुराने जीवों से कुछ एडवांस बन गए हैं, ऐसे जीवों को अपन नवीन नया या एडवांस जीव भी कहते हैं, और वो हमारी उन्नत प्रजाति को विकसित करती है। सबसे पहले वर्गीकरण जो है वो आपका चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर किया था, और इसको ही वर्गीकरण का आधार माना गया और उसके आधार पर ही जैव विकास की पुष्टि हुई। अभी मैंने आपको बताया कि साधारण और उन्नत जीव किसको कहते हैं। फिर अपन पढ़ रहे हैं जैव विविधता। जैव विविधता अपन ने पहले भी पढ़ी है, जीवों में पाई जाने वाली विविधताएं क्या कहलाती है आपकी जैव विविधता। और पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, जिसमें ब्राजील भारत काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत का में भी कर्क और मकर रेखा के बीच का वह क्षेत्र जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी और नमी है, वहां पर जीवों में बहुत सारी विविधता पाई जाती है, इसलिए उस क्षेत्र को मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहा जाता है। इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब अपन शुरू करते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। सबसे पहले सजीवों को जगत नाम तीन वैज्ञानिकों ने दिया था, जिसमें से फर्स्ट है आपके हेकेल, सेकेंड है आपके विल्टेकर और थर्ड है आपके कॉलबॉन्स। इन्होंने तीनों ने अलग अलग सन में अपना काम किया, परंतु तीनों ने इस नाम को क्या किया था, माना था। सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे विल्टेकर का पंच जगत वर्गीकरण। इसको पंच जगत वर्गीकरण कहा जाता है और इसी के नाम से आपके क्वेश्चंस भी बनता है कि पंच जगत वर्गीकरण को वर्गीकृत कीजिए, फ्लो चार्ट बनाइए और प्रत्येक वर्गीकरण के जो अपन आधार ले रहे हैं उसके आप अलग अलग प्रकार के एग्जांपल्स देते हुए लक्षणों को समझाइए। तो अपन देख रहे हैं विल्टेकर ने दिया था पंच जगत वर्गीकरण। सबसे पहले केंद्रक, देखिए मैंने वहां पे आपके केंद्रक लिखा है। केंद्रक की उपस्थिति या केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के आधार पर जीवधारियों को दो भागों में विभाजित किया। फर्स्ट है आपके प्रोकैरियोट्स और सेकेंड है आपके यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स को विल्टेकर ने मोनेरा नाम दिया। तो विल्टेकर की पहली क्लास क्या हो गई, मोनेरा। मोनेरा के लक्षण के ऊपर अगर बात करें तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और इनमें किसी प्रकार का कोई केंद्रकीय संगठन नहीं पाया जाता है। केंद्रकीय जो पदार्थ है वो कोशिका के द्रव के अंदर या कोशिकीय द्रव के अंदर बिखरा रहता है। स्वकोशी और विषमकोशी भी हो सकते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर अपन देखें तो अमीबा, जिसका शारीरिक संगठन अपन देखें एक ही कोशिका से बना होता है। इसी कोशिका में कुछ स्यूडोपोड बनते हैं जिसको आभासी पैर कहते हैं, उसकी सहायता से गति करता है, भोजन की ओर जाता है, भोजन को अपने अंदर खाद्य दानी में लेता है, उसी के अंदर उसका डाइजेशन होता है और आवश्यक पदार्थ को विसरण विधि से अंदर और अनावश्यक पदार्थों को खाद्य दानी को एज इट इज शरीर से अलग कर दिया जाता है। तो मोनेरा के कुछ कैरेक्टर और एग्जांपल मैंने आपको बताया। फिर आगे उन्होंने देखा कि यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं वो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय को मैंने उन्होंने प्रोटिस्टा नाम दिया। तो सेकंड क्या हो गया इसका, पंच जगत का पहला जगत मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो होता है इसमें इसकी विशेषता होती है कि इसके अंदर गमन के लिए आपके लोकोमोटरिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं, चाहे तो सीलिया चाहे फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है आपके यूरिना का एग्जांपल है। फ्लैजिला जो होता है वो नाव के चप्पू के आकार का होता है। जिस प्रकार नाव को आगे बढ़ने के लिए हमें चप्पू को पीछे की ओर धक्का देते हैं पानी को, उसी प्रकार से इसमें भी जो फ्लैजिला होते हैं दो होते हैं,
क्या कहलाता है और बड़ा जो होता है वो फ्लैजी फ्लैसल कहलाता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी कि ये स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। साथ ही युग्लिना जिसको कहते हैं अपन, ये सजीवों को निर्जीवों सॉरी प्लांट और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिव लिंक माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होना यह दर्शाता है कि इसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं पादपों से हुई होगी। इसके अंदर नेक्स्ट अपन प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कशन करें, इसमें आप पैराविशम्स को भी ले सकते हैं। पैराविशम का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है और उसके शरीर पर बाल के समान इस प्रकार से सीलिया पाए जाते हैं जो कि लोकोमोशन यानी गति का कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों को अगर देखें तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, दूसरे वो जो कोशिका भित्ति जिसमें उपस्थित नहीं होती। कोशिका भित्ति में भी जो स्वपोषी होते हैं यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको अपन प्लांटी कहेंगे, पौधे, और जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं उसको अपन कवक या फंजाई कहेंगे। तो तीसरा जगत क्या हो गया पंच जगत का, फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। तो वेल्टेकर ने पांच जगत वर्गीकरण दिया, उसमें पहला जगत मोनेरा, दूसरा प्रोटेस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और फिफ्थ वन इज एनिमेलिया। इसको इसी सीक्वेंस से लिखेंगे क्योंकि डेवलपमेंट जो हो रहा है वो आपका इसी अकॉर्डिंग हो रहा है। इससे इसमें कुछ डेवलपमेंट है, इससे इसमें कुछ, फिर इसमें और फिर इसमें। फंजाई देखें तो जनरली विषमपोषी होते हैं और अपने भोजन के लिए किसी न किसी मृत जीवों पर आश्रित रहते हैं, उसको मृत जीवी भी कहते हैं, या फिर ये किसी जीवित कोशिका द्रव्य पर आश्रित रहते हैं इसलिए इसको परजीवी भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है यीस्ट, एगेरिस्ट जिसको अपन जनरली मशरूम कहते हैं, या बारिश के दिनों में सड़े गले पदार्थों पर उगता है, इसको अपन गंदर की छतरी के नाम से भी फेमस है। फंजाई जो बताया मैंने आपको, जनरली ये मृत जीवी या परजीवी होते हैं, इनके स्वयं के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती इसलिए ये भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं। साथ ही इस जो आपका किंगडम है या ये जो आपका जगत है, इसके जो होते हैं वो जो होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल के साथ में सहजीवी संबंध के रूप में पाए जाते हैं जिसको अपन लाइकेंस भी कहते हैं। फोर्थ है प्लांटी, प्लांटी स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और फिफ्थ है एनिमेलिया, ये विषमपोषी होते हैं, इसमें सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इन दोनों क्लासों के ऊपर अपन और डिविजन देखेंगे और ज्यादा एग्जाम्पल के साथ में अपन इसको समझेंगे। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किस प्रकार के जीवों का वर्गीकरण करना चाहिए, उसी के साथ में बोस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मोनेरा को दो भागों में विभाजित किया, पहला आर्की बैक्टीरिया, दूसरा आपका यू बैक्टीरिया। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू किस प्रकार से सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है, इसमें आपके कितने स्टेप्स होते हैं, जगत, फाइलम, डिवीजन, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। इंग्लिश में अगर अपन देखें तो किंगडम, अगर फाइलम जंतु है तो उसको अपन फाइलम लिखेंगे, पादप है तो उसके लिए अपन फाइलम कीजिए, क्या आ जाएगा डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। जाति, जाति के बारे में अपन बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था वे सभी जीव जो होते हैं जिनके लक्षण लगभग समान और आपस में जनन क्रिया के द्वारा नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं उसको अपन एक जाति के अंदर रखते हैं। जैसे कि मानव जाति पृथ्वी पर किसी भी देश में पाया जाने वाला मानव एक जाति के अंदर आता है, होमो सेपियंस जिसको अपन मानव का जूलॉजिकल नाम है होमो सेपियंस। इसमें मैंने आपका एक अमीबा का एग्जांपल दिया है, इसका संघ जो है वो प्रोटोजोआ, इसका फाइलम क्योंकि जंतु है इसलिए फाइलम लिखेंगे, अमीबो जो है इसका क्लास है राइजोपोडा, ऑर्डर अमीबिना, फैमिली अमीबाइडिस, जीनस इसका अमीबा और इसकी स्पीशीज है हिस्टोलिका। हमेशा वंश और जाति का नाम लिखा जाता है अमीबा हिस्टोलिका। अगर अपन किसी का नाम लिखते हैं जैसे कि मैं आपके मटर का नाम लिख रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, ये इसका फर्स्ट जो नाम है वो आपका जीनस है, सेकंड जो नाम है वो इसका क्या है सेटाइवम, और इसको लैटिन भाषा में लिखा जाता है परंतु लिखते समय इसके नीचे क्या कर लेते हैं अंडरलाइन कर लेते हैं। और आप देखें सरसों का नाम लिखे तो बेसिका कंपेस्टिस, मैंगो का यानी कि आम का लिखे तो लिख सकते हैं अपन आम का मैंजिफोरा इन।
वंश और जाति। वंश हमेशा पहले आता है, जाति हमेशा बाद में आती है। जैसे कि अपन बात करें पाइसम सेटाइवम, तो मटर के लिए उसकी जाति हमें, ये इसकी जाति है सेटाइवम, इसकी किस्म है और इसका वंश क्या है पाइसम। और अपन देखते हैं जनरली एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो अपन आगे अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। अभी आज के सेशन में अपन ने क्या क्या पढ़ा कि मोनेरा का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया, इसी प्रकार से प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो आज के सेशन में अपन ने वर्गीकरण का आधार, मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र, साथ ही बिल टेकर द्वारा दी गई पंच जगत वर्गीकरण को अपन ने देखा, जिसमें अपन ने इसके एग्जाम्पल्स देखे, इसके लक्षणों के ऊपर डिस्कशन किया। आप अपने नोट्स बनाते समय क्या करेंगे, इन पांचों जगत के तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक, दो दो एग्जाम्पल और एक एक डायग्राम आप अपने नोट्स में बनाएंगे तो आपको याद करने में इजी रहेगा, और सिक्वेंस से लिखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। तो आपको मोनेरा के तीन एग्जाम्पल, तीन कैरेक्टरिस्टिक, दो एग्जाम्पल और वन डायग्राम आपको अपने नोट्स में करना है। इसके आगे नेक्स्ट सेशन में अपन प्लांटी का वर्गीकरण देखेंगे, उसके बाद अपन एनिमिलिया का वर्गीकरण देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर से अपन मिलेंगे।